नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज वर्ल्ड इंडिया में। आपके साथ मैं हूं पारुल त्यागी। पिछले काफी दिनों से किसानों का आंदोलन जारी है। किसान अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं कि तीनों कृषि कानून सरकार वापस ले, वहीं सरकार इन कानूनों को वापस नहीं ले रही है। इसी कड़ी में आज किसानों ने रेल रोको प्रदर्शन का ऐलान किया था, जिसका असर देश के कई हिस्सों में देखने को मिला। वहीं ग्रेटर नोएडा के दनकौर रेलवे स्टेशन पर सैकड़ों की संख्या में किसान ट्रेन रोको आंदोलन में पहुंचे। किसानों ने ट्रेन रोको आंदोलन के दौरान ट्रेन में बैठे यात्रियों को पानी, दूध और बिस्किट दिए। वहीं किसानों ने ये प्रदर्शन शांतिपूर्ण तरीके से किया। काफी फोर्स यहाँ पे लगी हुई है और किसान भाइयों से हमारी बातचीत लगातार चल रही है और उम्मीद है कि शांतिपूर्वक मामला हल हो जाएगा और किसी प्रकार का कोई अवरोध पैदा नहीं होगा। कितने स्टेशनों पर रोकने की बात कर रही है? नहीं, केवल यहीं की बात हुई है, यहीं पे आए हुए हैं और हमारा लगातार इनसे जो है शांतिपूर्वक वार्ता चल रही है कि मामला शांतिपूर्वक ही हल हो जाए और किसी प्रकार का कोई अवरोध ना हो। भारतीय किसान यूनियन का आज रेल रोको आंदोलन है। सैकड़ों की संख्या में दनकौर रेलवे स्टेशन के पास, बल्कि रेलवे स्टेशन पर ही किसान खड़े हुए हैं। सर, क्या प्लानिंग है आज आप? आज रेल रोको आंदोलन है पूरे देश में और संयुक्त मोर्चा की ये कॉल है। पूरे देश में शांतिपूर्ण तरीका से हम रेल के माध्यम से, रेल यात्रियों के माध्यम से ये संदेश देना चाहते हैं कि हम पिछले 85 दिन से लगातार धरने पर बैठे हुए हैं और देश के किसान, मजदूर, वंचित और उन उपभोक्ताओं की लड़ाई लड़ रहे हैं जिनको सरकार की गलत नीति के कारण रोटी को तिजोरी में बंद करने का प्लान बना दिया गया है। हम इस रोटी को, इस अन्न को तिजोरी में बंद नहीं होने देंगे और इस पर भूख पर इसका रेट निश्चित नहीं होने देंगे। सरकार ने तो कह दिया था कि हम 1.5 साल तक के लिए इसे पोस्टपोन कर दे रहे हैं, कानून को रोक लेते हैं। आप लोगों को मान जाना चाहिए था। उदाहरण के तौर पर अगर जैसे ये ट्रेन आया यहाँ पर और ये कह दें हम 2 घंटे के लिए रोक दिया हमने, तो जो इसके आगे, अगर उस ट्रेन के आगे खड़ा हो गया, उसे जब बहुत बड़ा खतरा होगा, क्यों कब चल जाए इसका कोई पता नहीं। उसका तरीका ये है कि जहाँ से वो आई है उसको वहीं वापस भेज दिया जाए, तो शांतिप्रिय तरीका से ये लगेगा कि भाई जहाँ से आई थी वहाँ पहुँच गई, अब आप अपने अपने जाओइए। 1.5 साल में ऐसी क्या बात है, 1.5 साल तक आप इंतजार करो, हम इसे 1.5 साल तक के लिए रोक देते हैं। सरकार ने माना ना गलत है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने ये कहा था गंगा जल की तरह पवित्र है मेरे बिल, लेकिन गंगा जल में भी संशोधन पहली बार देखा है हमने। इस भारत में गंगा जल में कभी संशोधन नहीं होता और गंगा जल में भी अगर संशोधन शुरू हो गए तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ काला है। वो भी मानते हैं काला है, हम कह रहे हैं पूरा दाल ही काली है। सर, आप कह रहे हैं ये सभी का आंदोलन है, हमारा, आपका, सभी का है। ट्रेन रोकेंगे तो अंदर जो यात्री बैठे हैं वो भी आप ही के अपने हैं, उन्हें कहीं जाना होता है, वो ट्रेन रुकेगी 1-2 घंटा तो वो परेशान होंगे नहीं होंगे, तो उस परेशानी को कैसे आप देखेंगे? उसको नज़रिए को देखिए ना पहले। हम उसी नज़रिए से देख के बता रहे हैं आपको, अगर टेक्निकल फॉल्ट हो जाता है तो 1.5 घंटे के लिए ट्रेन खड़ी रहती है और ऐसी जगह खड़ी होती है, ना वहाँ पानी की व्यवस्था होती है, ना वहाँ कोई दूध की व्यवस्था होती है। हमने तो फिर भी हम प्लेटफॉर्म पर रोक रहे हैं और 10-15 मिनट के लिए उस ट्रेन को रोकेंगे, उस ट्रेन वालों से मिलेंगे, उन यात्रियों से मिलेंगे, उन्हें अगर कोई दिक्कत है तो उसे दूध और पानी और वो भी देंगे, तो इसमें क्या दिक्कत है? प्लेटफॉर्म पर रोक रहे हैं ना हम, कोई बीच में तो कहीं रोक नहीं रहे। और प्लेटफॉर्म पर क्या ट्रेन रुकती नहीं है? कौन सी ऐसी ट्रेन है कि जो जिस समय चलती है और उस समय तक चलने तक कहीं नहीं रुकती है, बता दो। तो इसमें कौन सी बड़ी बात है, इसको दूसरी तरफ ना घुमाएं। शांतिपूर्ण रहेगा, हमारा शांतिपूर्ण रहेगा, पूरी तरीके से शांतिपूर्ण रहेगा। शांतिपूर्ण तरीका से हम यहाँ पर आए हैं, अगर हम जितने भी ट्रैक्टर और गाड़ी यहाँ पर लेकर आते हैं तो पहले ही यहाँ स्थिति खराब हो जाती है। हमने सारी गाड़ी और ट्रैक्टर वहाँ पर अपने पार्क करा दिए। हमारा मकसद अपनी बात सरकार तक पहुँचाना है, हमारा मकसद हंगामा खड़ा करना नहीं है। हम अहिंसा के पुजारी हैं और अहिंसात्मक तरीका से ही हम इस आंदोलन को चलाना चाहते हैं। बिल्कुल, आपका मकसद किसी को परेशान करना नहीं है, बल्कि इनका कहना है कि जो ट्रेन रुकेगी तो हम लोग उसमें जो यात्री बैठे हैं उस दौरान उनको दूध और फल की व्यवस्था की गई है, उनको दूध और फल दिया जाएगा, उनको परेशान नहीं किया जाएगा। हालांकि इनका कहना है कि जो आंदोलन है वो पूरी तरीके से शांतिपूर्ण रहेगा, किसी भी तरीके का कोई उत्तेजना किसी प्रकार की किसान की तरफ से कोई भी अभद्र भाषा या अभद्र तरीके से काम नहीं किया जाएगा। अंशुमन यादव, न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया, ग्रेटर नोएडा।